बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत अच्छे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत अच्छे हूँ। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं आज बनाने जा रही हूँ शलजम पालक की सब्ज़ी। तो आइए देखते हैं, शलजम पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है। शलजम लिए हैं मैंने 1 किलो, जिनको मैंने काट कर धो लिया है। 1 लार्ज साइज का मैंने प्याज लिया है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है थ्रेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है जो बिल्कुल एंड में जाएगी, और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है। पालक ली है मैंने 1.5 कप तकरीबन, और गरम मसाला लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, ऑयल लिया है 1/2 प्याली जाएगी और हसबे ज़रूरत पानी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप ऑयल डालेंगे, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। 1 टेबल स्पून तो जितना मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, लाइट सा गोल्डन कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है हमने, लहसुन अदरक का पेस्ट जब गोल्डन ब्राउन हुआ तो फिर हमने इसमें टमाटर और सब्ज मिर्च डाल दी है। 1 से 2 मिनट हम इसको भून लेंगे। खुश्क मसाला जात इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधे थोड़ा सा पानी डालेंगे तो हमारा मसाला जले ना। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से। सब्जी शामिल कर देंगे, शलजम शामिल करेंगे, साथ ही पालक डाल देंगे। अच्छे 1.5 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। और 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं अभी, तब इंतज़ार करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। शलजम हमारे जो है बिल्कुल गल चुके हैं, फिर चल गल रहा था, इनको मैश कर लेंगे। इस स्टेज पर अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून तो जितनी मेरे पास चीनी है। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला शामिल करेंगे। पाल ने ठीक होना शुरू कर दिया, 1 से 2 मिनट भून ले। हरा धनिया शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डिश आउट कर लें सर। धनिया से गार्निश तो रहेंगे। ठीक है जी, मज़ेदार सा हमारा शलजम पालक का सालन जो है वो तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो और रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो तो तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त और अपने दुआ में याद रखिएगा, फिर हाज़िर हूँ तो ये नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।